हेलो एवरीवन, स्टडी किड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान शर्मा। आज की वीडियो रहने वाली है उन सब रेलवे एम्प्लॉयज के लिए जो पास पीटीओस को बड़ा दिल से यूज करते हैं, मतलब जिनके ज्यादातर पास या पीटीओस सिर्फ घर जाने में यूटिलाइज हो जाते हैं और जब उनको घूमने के लिए जाना हो तो उनके पास पास नहीं बचता। हमारे पास में बहुत कैपेसिटी रहती है। जब पहले ऑफलाइन मिला करता था तो आप भी यूज करते होंगे उसको, एक पास निकाल लिया और उसको बहुत सारे तरीकों से यूज करते होंगे। बट जब से पास ऑनलाइन हुआ है तब से उसने ऑप्शन दिया नहीं है आपको। मैंने भी देखा कई लोग एक छोटी सी जर्नी के लिए भी अपना पूरा पास वेस्ट कर देते हैं, उसको नेक्स्ट जर्नी के लिए यूज़ नहीं करते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप शायद तक समझ जाओ। तो अपन उसी में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही पास से आप अगर आप मल्टीपल जर्नीज करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे मैं करता हूँ, कैसे मेरे साथ के जो लोग हैं उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ। तो चलिए उस पोर्शन में चलते हैं। और हाँ, वहाँ चलने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत 5500 जैसे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे में प्रिपरेशन कर रहे हो प्रमोशन के लिए तो आप जाके जुड़ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जो भी आपका डाउट है वो लिखें। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो आपको प्रमोशन के लिए जो भी एग्जाम्स की बुक्स चाहिए वो मिल जाएंगी। अगर आप एस्पिरेंट्स हो तो सिलेक्टेड लड़के तो बैठे ही हैं, उनसे पूछ लो कैसे प्रिपरेशन किया है, कौन सी बुक फॉलो की है, सब बता देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आपको पास पीटीओ मैक्सिमम यूटिलाइज करने हैं ना, तो सबसे पहले तो ना ये मैप डाउनलोड मार लो। ये मैप क्यों है, ये इंडियन रेलवे मैप डालोगे आप तो ये वाला मैप आ जाएगा। बहुत अच्छा मैप है। क्यों, इसके अंदर ना जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ब्रॉडगेज हैं, अदर ब्रॉडगेज है, वो सबकी डिटेल दे रखी है। ये ब्रॉडगेज का मतलब क्या, ये जितने भी आपको रूट दिख रहे हैं ना, जितने भी आपको रूट दिख रहे हैं इस वो, ये वो रूट है जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम मेजर ट्रेन चलती हैं, जिसके अंदर आपको रश जो है वो रश आपको खूब मिलेगा। बोले तो अगर वो कहीं जाना है तो आपको कोई ना कोई ट्रेन आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी मिलने की। और उस इस मैप का फ़ायदा क्या रहता है कि मान लो आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर आपको नहीं पता कि आसपास कौन से मेजर स्टेशन है, मेजर जंक्शन हैं या मेजर लाइन्स निकलती हैं, तो आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आगे पास मैंने दिया है, इस पास के अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर जो टिकट बुक हुई है वो सोलापुर से सूरतगढ़ के बीच में SOG जो है, मतलब बीकानेर डिवीजन तक हुई है। तो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम जूम करें इसको तो सोलापुर पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, आपको वैसे देख के पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसको आप यूज़ करोगे तो सोलापुर से अगर आपको जाना हो तो एक तो रूट ये बनता है मुंबई, मुंबई से होता हुआ जयपुर, और जयपुर से हम चले गए यहाँ पे जो हमको ट्रेन मिल जाएगी। दूसरा रूट ध्यान से देखो, अगर ध्यान से आप जूम करो तो यहाँ से आप जाओगे, आ जाएगा औटगी, सॉरी दौंड। दौंड से अगर आप मनमाड़ का रूट पकड़ लेते हो तो हमें मेन लाइन रूट पकड़ लेते, इंपॉर्टेंट मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट वापस जो है जलगांव, भोपाल, ग्वालियर वाला, और सीधा कहाँ तक जाके छोड़ेगा आपको, दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली से आप चले जाओगे ऊपर। तो कभी कभी क्या होता है, आपको जाना है जिस दिन, उस दिन आपके रूट पर गाड़ी नहीं है, या मान लो जिस दिन आपको जाना है उस दिन मतलब जो ट्रेन आपके रूट पर है वो ट्रेन दूसरे रूट से सिंपल वाली ट्रेन है, या लंबे वाले रूट के अंदर कौन सी ट्रेन चल रही है, तेजस चल रही है, हमारी दुरंतो चल रही है, राजधानी चल रही है, ऐसे केस के अंदर आपको मतलब लंबा वाला रूट भी फ़ायदा देगा, जल्दी पहुंचा देगा आपको। तो ये मैप को डाउनलोड मार लेना, जो आपको हमेशा फ़ायदा करेगा ही करेगा, और अच्छी क्वालिटी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। जूम करोगे तो बराबर दिखेगा आपको हर चीज़। अब देखो, अब हम बात करें अगर पास की, तो पास के अंदर ना कुछ चीज़ें ना वो होती हैं, क्या बोलते हैं, जो आपको समझ के लेनी पड़ेंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पास को निकालने के बाद। एक तो होता है हमारा ये जर्नी डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है हमारा स्टार्टिंग स्टेशन, एक होता है हमारा एंड स्टेशन, और बीच में होते हैं ये ब्रेक जर्नी, जिसको क्या बोलते हैं हम, आउटवर्ड ब्रेक जर्नी, मतलब जहाँ पर हम उतर के ट्रेन चेंज करते हैं, या जहाँ पर उतर के हम दूसरा रूट या जर्नी शुरू करते हैं। तो जो पीटीओ होता है ना, पीटीओ में क्या होता है, अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है ना, तो वो आपको अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है इसके बीच में, तो वो क्या करता है, आपको एक ही ऑप्शन देता है कि आप इस जगह पर उतर के आप ट्रेन चेंज करो और अपने डेस्टिनेशन पर चले जाओ। बट पास की अच्छी बात क्या है, पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता आपके ऊपर। वो बोलता है जितनी बार ब्रेक जर्नी लेनी होती है वो ब्रेक जर्नी लो, जितनी बार जहाँ जो करना है आपको वो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे जो किलोमीटर हैं वो एक्सीड नहीं होने चाहिए। बोले तो एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, आपने बोला आपको ए पॉइंट से जाना था बी पॉइंट में, ठीक है, इसकी बीच की डिस्टेंस बनती है 1000 किलोमीटर। आने वाले नहीं, मेरे को डायरेक्टली नहीं जाना, मेरे तो मासी का घर है भाई, मैं तो मासी के घर रुकूंगा उसके बाद जाऊंगा। उसके अंदर लोग बोलते हैं ठीक है आपको जाना है आप जाओ, लेकिन इस केस में ना जो आपकी नेट डिस्टेंस है उससे 15%, मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का सम, इसके 15%, बोले तो 1150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम पास ही जनरेट नहीं करेंगे, आपका पास जनरेट ही नहीं होगा। तो देखो, इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इस रूट में देखो, इस रूट के अंदर भी जो ये पास निकाल रखे है ना, ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको,
अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो जर्नी बुकिंग जो बुकिंग कर रखी है वो ये इसमें आप ये वाले देखो, इसमें देखो आदमी ने जर्नी कहाँ शुरू की है, श्रीगंगानगर से कहाँ गए, जयपुर, जयपुर से कहाँ गए, पुणे, पुणे से कहाँ गए, दौंड, ठीक है। तो कितनी बार ट्रेन चेंज की, एक बार चेंज की, दूसरी बार चेंज की, और दौंड के आगे भी उन्होंने बुकिंग नहीं की, वरना दौंड से आगे अगर ये सोलापुर का डालते तो सोलापुर भी इनको मिलता। तो ये क्यों किया है इन्होंने, देखो इनको ये चीज़ दिख गई कि सोलापुर से अगर आप सिस्टम में डालोगे ना तो सोलापुर से गंगानगर की जो डिस्टेंस है वो मान लो 2000 किलोमीटर आ गई, बट आपकी जर्नी ऐसी नहीं है, आप पहले यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से पुणे जा रहे हो, पुणे से फिर आप चले जयपुर चले गए, और जयपुर के लिए आपने रूट कौन सा ले लिया, ये वाला रूट ले लिया, दूसरे वाला एक मिनट को, और यहाँ पुणे गए, पुणे से आपसे जयपुर जाने के लिए कौन सा रूट ले लिया आपने, ये मुंबई वाला रूट ले लिया, ये आपको जयपुर लेके जाएगा, फिर जयपुर से आप गंगानगर गए, तो देखो एक डिस्टेंस ये और एक ऐसे आप घूम फिर के जा रहे हो, तो जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। वो ओवरऑल डिस्टेंस को काउंटर करने का आपका ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपको ए पॉइंट से डी पॉइंट पे जाना है और बीच में आप बी पे उतरने वाले हो, ट्रेन चेंज करने वाले हो, सी में उतर के ट्रेन चेंज करने वाले हो, इस केस के अंदर आप क्या करो, अपना जो स्टार्टिंग स्टेशन है या जो आपका एंडिंग स्टेशन है वो ये ना करके इससे पीछे का एक स्टेशन पकड़ लो ए डैश, या फिर इसके आगे का एक पकड़ लो डी डैश। इससे क्या होगा, जो आपकी ओवरऑल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब आपकी ओवरऑल डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आप चाहे घूम फिर के जाओ चाहे कुछ भी हो, बिकॉज देखो इस वाली डिस्टेंस में तो आप ट्रैवल करने नहीं वाले, ठीक है। जैसे ये जो ट्रेन निकली है वो देखो कहाँ तक, तिरुचनापल्ली तक ले रखी है। अब तिरुचनापल्ली अगर आप ध्यान से देखो, तिरुचनापल्ली कहाँ पे है, देखो तिरुचनापल्ली यहाँ तिरुवनंतपुरम है ना, इसके आसपास ही होगी तिरुचनापल्ली। अब यहाँ से लेके और ये सोलापुर, ये जो रूट की डिस्टेंस है वो तो अपने काम की नहीं है, अपन जाने भी नहीं वाले, अपन यूज़ भी नहीं करने वाले उसको, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी जो घूम फिर के जाएंगे उसको एडजस्ट करने के काम आएगी। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वाला इनका रूट है, इस ऊपर वाला जो पास है, ऊपर वाले पास के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, ऊपर वाले पास के अंदर भी इन्होंने जो ट्रेन है जाना इनको तो कहाँ से बुकिंग की है, सूरतगढ़ से बुकिंग की है बीकानेर, बीकानेर से बुकिंग की है सोलापुर, लेकिन जो पास निकला है वो कहाँ से निकला है, जम्मू तवी से। जम्मू तवी कहाँ है, जम्मू तवी अगर आप ध्यान से देखो तो जम्मू तवी आता है हमारे नॉर्थ के अंदर, ये रहा। अब देखो, अब मैं जो आपको बोलने वाला हूँ, अगर आपको अपना पास यूटिलाइज करना है और आप चाहते हो कि एक पास से आप मल्टीपल जर्नी कर सको, तो उसके लिए हम एक केस ले लेते हैं। आप अपने पास को दो जगहों पे यूज़ करते हो, अपने पास को एक आप यूज़ करते हो अपने होम और एक उसको आप यूज़ करना चाहते हो हॉलीडे। अब एक ही पास को दोनों की जगह कैसे यूज़ करें उसका तरीका देखो। हम एक केस ले लेते हैं, एक आदमी कोटा में पोस्टेड है, उसका घर दिल्ली में है। अब उसको देखो दो ऑप्शन है, या तो घूमने के लिए जाए वो ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, मनाली के पास, या वो जाए साउथ में। साउथ में कहाँ, मुंबई, गोवा, यूजुअली ये डिस्टेंस रहती है ना आपकी, ये मतलब ये डेस्टिनेशंस रहती हैं। अब आप क्या करो, जब भी आप अपना पास निकालने वाले हो तो जो भी आपके मेजर स्टेशन है उनको आप मार्क कर लो। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको घूमने जाना है, मैंने सोच लिया मेरे को मुंबई तक जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुंबई तक उसका रूट देख लूँगा, मैंने देख लिया। अब इसी मुंबई में आगे वही जो रूट है ना, वो रूट देखो कहाँ तक जा रहा है, वो रूट देखो गोवा हो गया, ये कहाँ जा रहा है, मैंगलोर हो गया, यहाँ तक जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, कोलम, देखो लास्ट कोलम है। मैं क्या करता हूँ, एक पास निकलूँगा कोलम से सीधा जाऊँगा मैं, मैंने मडगांव भी रख लिया, मडगांव है गोवा के लिए, ठीक है, मडगांव रख लिया। दूसरा मैंने क्या डाल दिया, मुंबई। तीसरा, अब उसके बाद मेरा स्टेशन तो मेन स्टेशन कोटा, फिर मैंने क्या डाल दिया, ये हो गया, फिर मैंने क्या डाल दिया, कोटा के बाद मैंने डाल दिया दिल्ली, ये तो मेरा घर था। दिल्ली के बाद मैंने आगे क्या डाल दिया, जम्मू तवी। अभी जो ओवरऑल डिस्टेंस बनेगी ना, ये बनेगी कम से कम 3000 ये 3500 किलोमीटर के आसपास। बट आपको ट्रैवल कितना करना है, एक बार आप पास को यूज़ करोगे कोटा से दिल्ली जाने के लिए, और कोटा जो पास होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 5 मंथ्स की। और याद रखना, ऐसा नहीं होता पास में, अच्छी बात ये है, पास ऐसा नहीं होता कि आपने अगर एक बार जर्नी कर ली तो पास आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो 5 महीने तक वैलिड रहेगा। आपने ये वाली जर्नी कर ली ना तो इस पर आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बाकी बचे हुए रूट्स हैं ना, इसमें आप कभी भी डिस्टेंस कर सकते हो, मतलब ट्रैवल कर सकते हो। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, अब मान लो आपने ये पास लिया, इस रूट में पास लिया, आपने क्या किया, एक बार ही जर्नी घर जाके आ गए आप, ठीक है, आप जनवरी में आपने बुक किया और जनवरी में आप घर जाके आ गए, फरवरी भी था, मार्च भी था, आपने बोला यार एक काम करते हैं अभी हमको मुंबई चलते हैं,
मार्च अप्रैल आ गया, मौसम अच्छा होता है, वहाँ चलते हैं। इस केस में अब क्या होगा, देखो ये जो पास है वो इस डायरेक्शन का है तो काम करेगा नहीं जाने के लिए, बट अगर आप आपने एक पीटीओ निकलवाया, पीटीओ से कोटा से कहाँ चले गए, मुंबई, लेकिन रिटर्न के टाइम पे जब आपको रिटर्न आना है तो आप सेम पास पे बुकिंग कर सकते हो, सेम पास आपका रिटर्न के अंदर काम करेगा। इस केस के अंदर एक ही पास था, उस एक पास को आपने घर जाने के लिए भी यूज़ कर लिया, उस एक पास को आपने रिटर्न में घूमने के लिए भी यूज़ कर लिया। बहुत बार मल्टीपल चांसेस रहते हैं आपके कि आपको पता होता है कि अगले 5 महीने में आपके क्या क्या काम आने वाले हैं, किसी भाई की शादी आने वाली है या कुछ और आने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपने पास पीटीओस को प्लान कर सकते हो। और कोशिश यही किया करो कि बिकॉज पास आजकल तुरंत जनरेट हो जाता है, तो जब आपको घर जाना एकदम फाइनल हो गया, उससे एक डेढ़ हफ्ता पहले ही, दो हफ्ता पहले ही जब आपको सीट्स अवेलेबिलिटी रहती है, उस हिसाब से आप बुकिंग करवाओ ताकि पास आपकी जेब में रहे। तो जब भी पास लो तो पास के अंदर बस ब्रेक जर्नी खूब सारी डालो, बट ये याद रखना उनके किलोमीटर्स एक्सीड ना करें, वरना आपका पास जनरेट ही नहीं होगा। आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी और उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। आप जिस भी रूट को ऑप्ट करते हो ना, उस रूट को खींचना बड़ा आसान है। अब देखो ये चलो मैंने इजी वाला ले लिया, अगर हम दूसरा रूट ले लेते हैं, मान लो आपकी पोस्टिंग है गुंटकल में, ठीक है, और गुंटकल से आपका घर जो पड़ता है वो आपका घर पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पड़ता है, रोहतक में पड़ता है अभी, रोहतक जाऊँगा मैं तो। अब देखो गुंटकल से रोहतक में जाना है तो देखो रूट क्या पड़ेगा, ये तो रूट ये वाला ही पड़ेगा जो भोपाल वाला, और ये जाएगा यहाँ, एक रूट क्या पड़ेगा वही यहाँ से कट के ये रूट पड़ेगा, दूसरा रूट पड़ेगा, ठीक है। तीसरा रूट क्या पता यहाँ से ये भी निकलता हो, अगर देखना तो यहाँ से यहाँ जाके और इससे मिल जाएगा, ये तीसरा रूट बनता है। जो भी रूट रहे ऊपर की तरफ टॉप की तरफ, तो देखो जम्मू तवी बेस्ट है, कुछ भी आप पास लो उसको जम्मू तवी तक खींच दो, आप जम्मू तवी तक जाता ही जाता है वो। और नीचे देखो अब अगर गुंटकल है ना, तो गुंटकल में आपको देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा, गुंटकल यहाँ है ना, तो आप जिस भी रूट में जा रहे हो, मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको ये पीछे वाला रूट लेना है, ठीक है, ताकि इसकी जो ओवरऑल डिस्टेंस बढ़े, आपकी ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका ब्रेक जर्नी जो है उसमें आप जितनी मर्जी बार ब्रेक ले लो, उसकी जो डिस्टेंस ओवरऑल डिस्टेंस है वो प्लस करने के बाद भी आपकी ओवरऑल डिस्टेंस से लेस ही आने वाली है और आपका पास जनरेट हो जाएगा। तो जब भी आप पास निकलवाओ, जब भी आप पास जनरेट करो, इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। एक ही पास से मैंने खुद दो दो तीन तीन बार मल्टीपल जर्नीज की हैं, और ऐसा नहीं है कि बाईपास करके, सिस्टम खुद अलाउ करता है हमको। पहले अगर आपको याद हो तो एक ही पास मिलता था हमको, हम और मल्टीपल जर्नी कर सकते थे। ऑनलाइन में भी ऐसा ही है, बस आपको थोड़ा सा जनरेट करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को। तो थैंक यू वेरी मच, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो रूल्स हैं, जो पास पीटीओ के रूल्स है, उसके लिए अपने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसमें पूरे डिटेल आप कब कैंसिल कर सकते हो, पास टिकट बन गया आपका, चार्ट भी बन गया तो पास वापस यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते, आरएससी में टिकट रहेगी, वेटिंग में रहेगी, टिकट बुक कर दिया लेकिन अभी तो हमको जाना ही नहीं है, या टिकट बुक कर दिया कन्फर्म सीट है तब भी जाना नहीं है, तो जितने भी रूल्स हैं उन सब के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ गई है, आप वो जाके वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े हैं स्टडी किड से, धन्यवाद।